सो दोस्तों, हम लोग जब भी कभी होटल जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, जब भी किसी के साथ होटल जाते हैं या फिर अकेला ही आप क्यों ना जाएं, किसी भी होटल में आप जाएंगे वो कपल फ्रेंडली होटल लाइक ओयो हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, गोइबिबो हो गया या फिर कोई भी लोकल होटल ही क्यों ना, आप जब भी किसी भी होटल में जाओगे तो आपको हमेशा एक आईडी सबमिट करनी पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है। तो वो लोग क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके उसका फोटोकॉपी रख लेता है और ओरिजिनल जो है आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसे में जो हम लोग से वो डिटेल्स लेता है उसका आखिर वो यूज क्या करता है, उसका वो क्या यूज करता है, किस लिए लेता है, कहीं उसका गलत यूज करता तो नहीं है वो लोग, कहीं ऐसा करके हम लोग पे कोई दिक्कत तो नहीं फंस सकते हैं। तो क्या है ये सारी चीजें के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलते रहती है। मेरे चैनल पे मैक्सिमम वीडियोस जो है ओयो से रिलेटेड है, तो आपको ओयो से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले। ऑलरेडी बहुत सारे 15-16 वीडियोस बनकर रखे हुए, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बताता हूँ कि आखिर हम लोग से जो आईडी लेता है वो क्यों लेता है। दोस्तों आईडी लेने का सबसे मेन रीजन ये होता है और ये बहुत सही चीज भी है, क्या है वो हम जानेंगे। दोस्तों जब भी हम लोग कभी होटल जाते हैं तो अगर आप सिंगल ही क्यों ना जा रहे हो या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ में क्यों ना जा रहे हो, होता क्या है कि वो इंसान को जो होटल के रिसेप्शन में बैठा रहता है उसे पता नहीं होता है कि आप कौन हो। लाइक आप जैसे हम लोग यहाँ के नॉर्मल इंसान है, मान लो कल को कोई आतंकवादी या फिर कोई गलत काम कर रहे इंसान भी तो होटल आ सकता है। तो ऐसे में तो पता नहीं चल सकता नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई पुलिस से भागा वो कोई आदमी तो नहीं है। तो ऐसे में होटल वाले क्या करते हैं, उसकी जो एक ओरिजिनल आईडी होती है वो लेके रख लेते हैं, ताकि अगर वो होटल में बैठ के कोई प्लान कर रहा हो या फिर होटल में 2-3 दिन के लिए ठहरा हो, बाहर जाके किसी का मर्डर करके आ जाए या फिर कुछ गलत काम करके चोरी वगैरह कुछ कांड करके आ जाए होटल में, तो वो 1-2 दिन में रुकेगा, जब भी उसका काम हो जाएगा करके वो निकल लेगा। तो ऐसे में अगर होटल वाले आपसे आईडी नहीं लेंगे तो जहाँ पे वो जो भी कांड करके आया, अगर उसे पता चलेगा कि वो इस होटल में रह जाए, फिर उसे मतलब फॉलो कर रहा था, उसे पता चलेगा कि वो इस होटल में रहता है, तो आके पहले होटल वाला का ही सर फोड़ेगा और उसके ऊपर ही केस करेगा। तो ऐसे में होटल के रिसेप्शन लोग किसी भी कांड से, किसी भी तरह के ऐसे केस से बचने के लिए ये लेते हैं, आईडी लेते हैं आप लोगों से। बहुत ही जायज चीज भी है, उन लोगों का ऐसा रहना भी चाहिए। ये हो गई कि वो लोग क्यों लेते हैं। अब जो सेकंड बात आती है कि वो लोग उस आईडी का दोस्तों करते क्या है, कब तक रखते हैं, कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करते। तो सबसे पहले चीज वो लोग आईडी लेते हैं इसीलिए ताकि लोग खुद को सेफ्टी रख सके और अपने होटल का जो स्टेटस है उसे बरकरार रख सके। दोस्तों आईडी देना एक गवर्नमेंटल प्रोसेस है जो कि बहुत सही है। अगर कोई होटल वाला अगर आप लोग से बोले कि आप लोग बिना आईडी के भी एंट्री ले लो, कभी मत जाना, आईडी हमेशा सबमिट कर देना। आईडी सबमिट करना, बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है कि यार आईडी बिना बोले तो अगर मेरे को अलाउ करे तो हम बिना आईडी सबमिट किए चले जाते हैं, पकड़ाऊंगा नहीं। यार क्या होगा कल को अगर आप बिना आईडी सबमिट के होटल में ठहरे हो ना, अगर होटल में आपको कुछ हो जाए, कुछ पानी में कुछ ऐसा कुछ गलत मिल जाए या फिर खाना में कुछ ऐसा गलत रहे और आपको वहाँ पे डेथ हो जाए, फिर कुछ तबियत वगैरह खराब हो जाए, तो आपको बोलने के लिए कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि मैं इस होटल में स्टे किया था और इस होटल की वजह से मेरे को ऐसा हुआ था। तो होटल में जो आईडी लेता है उनके लिए भी आईडी लेना बहुत सही है, और अगर आप आईडी सबमिट करते हो तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है और आपके लिए बहुत फायदेमंद है फ्यूचर में अगर आप होटल में स्टे करते हो तो। अब बात आती है कि वो लोग आईडी रखते कब तक है। दोस्तों जब भी कोई लोग नया वहाँ पे जाता है, एक्चुअली उन लोगों के पास होटल में तो डेली 100-1000 के अमाउंट में लोग आते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं फोटोकॉपी स्कैन करके अपने कंप्यूटर में या फिर अपने फोन में तत्काल के लिए रख लेता है। लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीना के आसपास जो अपने फोन में या फिर अपने कंप्यूटर में सामने में रखा रहता है, ताकि जो भी अगर कुछ केस वेस हुआ हो या फिर कुछ होना होता है तो लगभग इस रिसेंट में ही हो जानी होती है। पुलिस का कोई चक्कर वगैरह होता है, अगर कोई गलत कांड वगैरह किया है तो ऐसा कोई गलत चक्कर वगैरह होगा तो वो सब जो होना होता है 1 महीना में हो जाता है। अगर इस बीच में अगर कुछ नहीं होता, देखता है कि लगभग 1 महीना पुराना हो चुका है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसको जो है जो स्टैंडर्ड होटल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक डेट बना के उस डेट में जितने लोग आए थे सारा डॉक्यूमेंट्स इस तरह से प्रोवाइड करके सेव कर देते हैं, और 1 साल के बाद वो सारा फिर से डिलीट हो जाता है, ताकि जो होना होता है 1 साल में हो जाएगा। कोई केस वगैरह आता है जिससे पुलिस को पता नहीं आता होटल में कौन आया था नहीं आया था, तो वो सब हो जाता है। तो नॉर्मली ऐसे जो नॉर्मल होटल होते हैं वो लोग 15 से 20 दिन आपका डॉक्यूमेंट्स रखेगा आपके फोन में, बस उसके बाद डिलीट कर देता है, और इसका कोई काम नहीं होता, कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता। आप लोग समझ आए इस चीज को, वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए आपसे लेता है, और होटल में आपका जो है आईडी देना वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप की चीजें क्लियर हो गई। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिल जाती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में था, वीडियो बुलाते देंगे।